परम शांति। देखो बापूजी ने बताया है कि जैसे जैसे धरती के ऊपर वायुमंडल बदलता गया, तो पॉजिटिव वायुमंडल बदलने के कारण जो सत्वगुण था वो रजोगुण में कन्वर्ट हुआ, रजोगुण तमो में हुआ, और वायुमंडल में जितनी भी आत्माएं थी उनके अंदर ये गुण आने लगे। तो जैसा वायुमंडल था ऐसे ही लोगों के अंदर वो गुण आने लगे। तो ये चीज़ें वायुमंडल से आई है क्योंकि वायुमंडल भी आत्माओं की विचारों से ही बना, तो दूषित और होने लगा। तो जैसे जैसे आत्माओं के अंदर पावर लॉस होती गई, तो सत्व प्रधान संस्कार तमो प्रधान होते गए, तो ये सभी चीज़ें बनी। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है वो कोई फिजिकल वस्तु नहीं है कि आप उसे देख सको, परंतु ये एक ऐसी एनर्जी है जो मन में भाव पैदा करती है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, एक ईगो पैदा करती है ना। तो ये एक ऐसी एनर्जी है, जिस प्रकार हम खाना खाते हैं तो एनर्जी पैदा होती है ना। तो वो एनर्जी दिखाई तो नहीं देती पर है ज़रूर, मतलब खाना खाओ तो आपको उसकी एनर्जी फीलिंग होगी, और एक हफ्ता खाना ना खाओ तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये एक ऐसी एनर्जी है जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती और ये सूक्ष्म फॉर्म में होती है, और ये आत्मा की अवस्था के ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी अवस्था कैसी है। जैसी अवस्था, अगर तामसिक व्यक्ति है, तामसिक आत्मा है, तो उसके अंदर तमोगुण, तमोगुण से रिलेटेड सभी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी, है ना। तो आत्मा अगर सत्व प्रधान बन जाए तो सत्व प्रधान आत्मा हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन शक्ति पैदा करने वाली आत्मा होती है। तो सत्व प्रधान अगर हम बन जाए तो ये एनर्जियाँ जो है नेगेटिव एनर्जी हमारे में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, और हम इसी मनुष्य जीवन में ही इन सभी से हमारा मोक्ष हो जाएगा। मतलब ये नेगेटिव एनर्जियाँ कभी भी हमें तंग नहीं कर पाएगी। तो ये सूक्ष्म चीज़ है और ये आदि काल से है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब से है, और ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से ही ख़त्म हो सकती है। अवेयरनेस, जैसे जैसे आत्मा का जो भाव है, आत्मा भाव में रहने से शरीर के भाव को ख़त्म करके आत्मा भाव में हम आएंगे, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शरीर नहीं हूँ, ये जो हमारा एक रियलिटी हम अंदर से बदलेंगे, अपने अंदर की रियलिटी बदलेंगे और उसके ऊपर बिलीव करना शुरू करेंगे, तब हमारा ये भाव बदलने लगेगा और हम सत्व प्रधान की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। तो जब तक ये तमो प्रधान ज्ञान है बुद्धि में, या तमो प्रधान कोई भी चीज़ है, वासना है ना, तो ये चीज़ें जो है ये एनर्जी ख़त्म नहीं होगी। तो ये सभी चीज़ें परम ज्ञान से ख़त्म होगी, और इसके लिए आत्मा को खुद ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और ये वैराग्य जब आत्मा के अंदर जब पैदा होता है, तभी ये चीज़ें मन एकत्रित एक एकाग्रत होना शुरू होता है, और आत्मा के अंदर धीरे धीरे सोई हुई शक्तियाँ जागृत होती है। आत्मा में शक्ति तो है पर उसको कोई याद नहीं करता, आत्मा की शक्ति को, आत्मा स्वरूप को याद नहीं करता। बापू जी बोले आत्मा के अंदर तो करोड़ों सूर्यों की शक्ति है, लेकिन जागरूक करे कौन? करने के लिए समय नहीं, करने के लिए फालतू काम करने के लिए बहुत समय है, लेकिन जो करना है उसके लिए एक सेकंड नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ मन नहीं लगता। मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि विकर्म उसे खींच रहे, तमो प्रधान अवस्था आत्मा की उसे सत्व प्रधान की ओर जाने नहीं देती। मन बुद्धि और संस्कार जो है मनुष्य को एकदम पछाड़ते रहते हैं। तो इसीलिए सत्वगुणी अवस्था आना, अपने आप को स्वपरिवर्तन करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए बापू जी बोलते हैं बार बार कि स्वपरिवर्तन करो, स्वपरिवर्तन करो। दिन में हर संकल्प को वॉच रखो, पूरे दिन में वॉच करो कि पूरे दिन में क्या हमारे अंदर नेगेटिविटी आई, क्या हमने ऐसा किया जिससे हमारी आत्मा की पावर लॉस हुई। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं खुद ही हम चेक करेंगे, अपने ऊपर ही हम काम करेंगे, अपने ऊपर ही हम सोचेंगे कि हाँ आज हमारे से ये गलती हुई, पर उस गलतियों को कैसे ठीक करें वो काम आपको खुद करना है। तो जब तक हमारे जीवन में 8 घंटे ज्ञान योग और उससे ज़्यादा की अवस्था नहीं बनेगी, तब तक सत्व प्रधान अवस्था लाना बहुत मुश्किल होगा।
तो इसीलिए बापूजी यही बोलते हैं कि स्व परिवर्तन के ऊपर ही फोकस करो, दुनिया तो हमारे बदलते ही बदल जाएगी। परम शांति।